नमस्कार दोस्तों, कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने बात करते हैं कुछ रिसेंटली जो पेपर में उनमें आए हुए क्वेश्चनों की। तो एक क्वेश्चन आया था पेपर में भी हाल ही में, राजस्थान में सांचू पोस्ट अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका संबंध किस जिले से है? तो राजस्थान में सांचू पोस्ट अभी चर्चा का विषय बनी हुई, इसका संबंध किस जिले से? तो इसका संबंध है बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। देखो ये चर्चा में क्यों थी, चर्चा में रहने का कारण आपने एक नाम सुना होगा, बिटमनी सरमनी। कहने का मतलब है ये एक बॉर्डर पे बनी होती है, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाएं आपस में आखिर क्या करती है, जहाँ पे परेड करती है उसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पे बनेगी? अभी बीकानेर में। कहाँ पे बनेगी? बीकानेर में। और इससे फिर क्या होगा कि दोनों जहाँ पे दर्शकों को जाके देखने का मौका मिले, जिस प्रकार अपने वाघा बॉर्डर पे होती है ना, रिट्रीट सेरेमनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिट्रीट सेरेमनी। तो कहाँ पे होगी? बीकानेर। अब बीकानेर की बात करें, क्या फेमस है बीकानेर में? बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। अगर बीकानेर की बात करें, एक नाम आता है श्याम सुंदर स्वामी। क्या नाम आता है? श्याम सुंदर स्वामी। इनका संबंध तीरंदाजी से है। किससे हैं? तीरंदाजी। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? बीकानेर से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बीकानेर से। श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी। एक और तीरंदाज हुए थे राजस्थान के बहुत मशहूर, जिनका नाम था बजरंगलाल ताखर। क्या नाम था? बजरंगलाल ताखर। अगर बीकानेर की बात करें, बीकानेर को राजस्थान में राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको बीकानेर को विकसित किया जा रहा है। बीकानेर के अंदर ही एक बात करें तो बटबड़ पक्षी के लिए एक वहाँ पे जगह फेमस है, गजनेर। ठीक है, क्वेश्चन था राजस्थान में सांचू पोस्ट अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी, इसका संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर। यहाँ पे क्या होगी? रिट्रीट सेरेमनी होगी। बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ में, और श्याम सुंदर स्वामी जिनका संबंध तीरंदाजी से, बजरंगलाल इनका संबंध भी किससे है? तीरंदाजी से हैं। तो ये हमने बात की थी पहले क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में त्रिस्तरीय यानी तीन दिन चला था त्रिस्तरीय योग महोत्सव की मेजबानी किस जिले ने की? तो ये की राजसमंद। किसने की? राजसमंद। अब बात करें पहले तो योग की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें? योग की। तो विश्व योग दिवस इक्कीस जून कब मनाते हैं? 21 जून को।
देखो इसकी विश्व योगा दिवस की शुरुआत घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 2014 जो वर्तमान नरेंद्र मोदी द्वारा इनकी घोषणा की गई थी 2014 में। कब घोषणा की गई थी? 2014 में घोषणा की गई थी। लेकिन पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। पहली बार योग कब मनाया गया? 2015 में। अब क्वेश्चन आता है कई बार भारत की योग राजधानी तो यह है ऋषिकेश। कौन सी है? ऋषिकेश उत्तराखंड में, ऋषिकेश उत्तराखंड। अब देखो जनवरी 2022 में त्रिस्तरीय योग महोत्सव की मेजबानी किस जिले ने की? राजसमंद। किस जिले ने की? राजसमंद ने की। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में 2014 में इस योग दिवस को मनाने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और भारत की योग राजधानी कौन सी है? ऋषिकेश उत्तराखंड में है। पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी लॉस एंजिलस यूएसए में कहाँ खुली है? लॉस एंजिलस यूएसए में खुली है। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। तो ये अपने योग के बारे में सारी की सारी बात अपने कर लिए। अब राजसमंद की बात चली थी। राजसमंद से एक प्लेयर का नाम मत भूलना, भावना जाट। 5 किलोमीटर पैदल चाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। 5 किलोमीटर पैदल चाल में ऐसा ही में क्वेश्चन आया था कि भावना जाट का संबंध किससे है, तो 5 किलोमीटर पैदल चाल से है, पैदल चाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जंबूरी अठारहवीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जंबूरी की मेजबानी राजस्थान के किस जिले द्वारा की जाएगी? किस जिले द्वारा की जाएगी? तो इसका आयोजन होगा पाली में। पाली में एक जगह है रोहट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1965 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरी बार करेगा राजस्थान इसका आयोजन। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबूरी की मेजबान राजस्थान की जिले द्वारा की जाएगी, पाली। किस जिले द्वारा? पाली। पाली की बात करें तो यहाँ पे एक दो चीजें फेमस है। एक तो है सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी पाली की है, जिसको अभी हाल ही में राजस्थान का 16वां ऐसी वस्तु बनी है जिसको GI टैग दिया गया है। जिसको क्या दिया गया है? GI टैग। GI टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत तक दे दिया। इसके बाद में
इसका प्रयोग विदेशों में इसको बेचने के लिए किया जाएगा और ये इससे क्या हो जाएगी, फेमस हो जाएगी। एक और बात कर लेते हैं, पाली में क्या चीज़ फेमस है, तो आपको पता है रणकपुर जैन मंदिर। इनको मंदिरों स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। और यहाँ पे कितने मंदिर है, 1444 मंदिर है। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।